नमस्कार दोस्तों, आप लोगों की जानकारी के लिए मैं बता देता हूँ, निया शर्मा नागिन 4 से बाहर हो सकती हैं। जी हाँ, एक सूत्रों के मुताबिक बात करें तो निया शर्मा के पास में एक ऑफर और आया है, जो कि आप लोगों को पता ही चल गया होगा कि इक्स में मरजावा सीजन 2 एक बार फिर से आप लोगों के बीच में आ रहा है। लेकिन नागिन 4 से कुछ रिलेटेड वीडियो मैं आप लोगों के बीच में बता रहा हूँ, जो कि उसमें कुछ चेंजेस होने जा रहे हैं। जैस्मिन भसीन और निया शर्मा ये दोनों काम कर रही हैं इसमें, जो मुख्य किरदार में जैस्मिन भसीन और निया शर्मा दो नागिन का किरदार कर रही हैं। कहीं ना कहीं लोगों का दिल भी पूरी तरीके से जीत चुकी हैं और निया शर्मा के पास में काफ़ी इस टाइम काफ़ी अच्छे ऑफर भी आ रहे हैं। और कहीं ना कहीं जैस्मिन भसीन की बात करें तो जैस्मिन भसीन और निया शर्मा पहले भी कलर्स चैनल के लिए काम कर चुकी हैं, क्योंकि दिल से दिल तक में, जो कि आप सभी को पता है, जैस्मिन भसीन सिद्धार्थ शुक्ला के साथ में काम कर चुकी हैं और रश्मि देसाई के साथ में। इधर बात करते हैं निया शर्मा की, तो निया शर्मा भी इक्स में मरजावा सीजन 1 में काम कर चुकी हैं, लेकिन अब अटकलें तेज हो चुकी हैं क्योंकि सुनने में आ रहा है कि नागिन 4 से निया शर्मा बाहर हो सकती हैं। लेकिन सस्पेंस ये बना हुआ है, अगर निया शर्मा इस शो से बाहर होती हैं तो इनकी जगह कौन ले पाएगा, क्योंकि निया शर्मा के बाहर होने के बाद में एक एक्टर शॉर्ट चाहिए जो कि इस रोल में फिट बैठ सके। मेकर्स फिलहाल डिसाइड नहीं कर पा रहे, क्योंकि इधर अगर निया शर्मा को फ्री करते हैं तो फिर उनकी जगह कौन ले पाएगा। लेकिन ये निया शर्मा के ऊपर ही बचा है, क्योंकि जो भी फैसला लेना निया शर्मा को ही लेना होगा, मेकर्स ने ये निया शर्मा से बोल दिया। क्योंकि एक्स में मरजावा सीजन 2 द्वारा उसमें भी सोच रहे हैं कि अगर निया शर्मा नहीं है तो उनकी जगह कोई और रोल में फिट बैठा लिया जाएगा, क्योंकि निया शर्मा का जाना ना जाना 50-50 है, क्योंकि जा भी सकती हैं ना भी जा सकती हैं। निया शर्मा की बात करें तो उनकी फ़िलहाल फैन फॉलोइंग भी काफ़ी अच्छी है, कहीं ना कहीं उनकी डिमांड भी काफ़ी अच्छी है। निया शर्मा को बिग बॉस से भी ऑफर मिल चुका है 2 करोड़ रुपए के लिए। इधर बात करें जैस्मिन भसीन की, तो जैस्मिन भसीन आप सभी को पता है कि बिग बॉस में 2 बार हो के आ चुकी हैं इसी सीजन में गेस्ट बन के। तो जैस्मिन भसीन की और निया शर्मा की फैन फॉलोइंग की काफ़ी अच्छी बात है, ये दोनों पहले से ही जा चुकी हैं। कहीं ना कहीं जैस्मिन भसीन चाहते हैं कि निया शर्मा इस शो से नहीं जा पाए, लेकिन देखना ये होगा, समय बताएगा कि आखिर नागिन 4 से निया शर्मा बाहर जाती हैं या क्या रहता है। निया शर्मा के ऊपर ये पूरा फैसला रह गया है, क्योंकि मेकर्स बोल रहे हैं कि कहीं ना कहीं निया शर्मा अगर इस शो में रहेंगी नागिन सीरियल में, नागिन 4 में, तो TRP भी ठीक चल रही है, क्योंकि इस टाइम TRP की बात करें तो TRP में 1 का शो, जो कि कलर्स TV का सबसे पॉपुलर और सबसे फेवरेट शो में से गिने जाने वाला शो है। नागिन 1 आपको पता ही होगा, मौनी रॉय और अर्जुन बिजलानी ने किया था, जो कि सेकंड सीजन में इनका काफ़ी अच्छा रहा था। तीसरे सीजन में सुरभि ज्योति को देखा गया था, सुरभि ज्योति ने भी काफ़ी अच्छा सीजन किया था, कहीं ना कहीं लोगों ने वो सीजन सबसे ज़्यादा फेवरेट माना था और सुपरहिट रहा था। लेकिन चौथा सीजन भी आप लोगों की दुआ की वजह से चौथा सीजन काफ़ी अच्छा जा रहा है। निया शर्मा की बात करें तो निया शर्मा इस सीजन में काफ़ी अच्छा दमदार रोल निभा रही हैं और कहीं ना कहीं लोगों का दिल भी जीत रही हैं, क्योंकि लोगों के दिल की बात करें तो लोग हमेशा से ही इस सीरियल को काफ़ी पसंद करते आए हैं। नागिन के हर एक एपिसोड को लोग ज़्यादातर पसंद करते हैं, लेकिन अब देखना ये होगा कि क्या हकीकत में ही निया शर्मा इस शो से बाहर जाएंगी या खाली ये अभी अफवाह फैलाई जा रही हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, आप अपना कॉमेंट ज़रूर कीजिए। और आपको मैं बता देता हूँ कि निया शर्मा की जितने भी रिलेटेड वीडियो आएंगी और नागिन 4 के रिलेटेड या एक्स में मरजावा के रिलेटेड, मैं हर एक वीडियो आप लोगों तक ज़रूर पहुंचाऊंगा। तो इसके लिए आप सबसे पहले तो मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करने के बाद में कमेंट करके बताइए कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, और साथ में अपना सुझाव भी देते रहिए, क्योंकि अगर आप सुझाव देंगे तो हम फिर आपका सुझाव को ऑडियंस और मेकर्स तक पहुंचाएंगे, जो भी आपको अच्छा लगता है। आपने मेरे वीडियो को इतना सपोर्ट दिया, उसके लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू गाइज, थैंक यू, लव यू।